रसाणीगंज जी, अमजद इकबाल साहब सऊदी अरेबिया से हमारे साथ हैं, माशाल्लाह वहाँ पे वेल सेटल्ड हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, और ये भी मेरी वीडियोस बड़े अरसे से देख रहे थे और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करना चाह रहे थे। इन्होंने अपना आरडीए भी खोल लिया हुआ है, अपना ब्रोकरेज अकाउंट भी एक अच्छी ब्रोकरेज फर्म के साथ खोल लिया हुआ है, लेकिन पहला कदम उठाने से पहले इन्होंने सोचा कि मेरे से ये डिस्कस कर लें, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही सोचा और उसका इंशाल्लाह फायदा। इस 1 घंटे में अमजद भाई आपके अंदर क्या वैल्यू एडिशन, हम किसी शेयर का नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन आपके अंदर वैल्यू एडिशन कोई हुई है, कोई आपको क्लैरिटी आई है कि आपने अगले 90 दिन में क्या करना है? जी सर, मैंने जो ये 1 घंटे का सेशन लिया है थोड़ा सा ऊंचा उसमें बोले, आपकी आवाज थोड़ी सी ना जो मेन चीज थी। आपकी। जी हाँ जी सर, इसमें सर जो 1 घंटा अभी मैंने सेशन लिया आपसे, सबसे पहले तो आपके लिए थैंक यू सर कि आपने कीमती वक्त से मुझे टाइम जजाक दिया अल्लाह, सर। जजाक अल्लाह खैर। और सबसे पहले सर, इसमें जो मेन चीज जो सीखने वाली आई है, मुझे समझ आई है वो कि 98% फंडामेंटल, सिर्फ वो टू तो परसेंट मस्त सर है। वीक। नहीं, आपने मुझे सिर्फ यह बताया कि आप वैल्यू एडिशन हुई है, क्लैरिटी हुई है, आप नए आदमी थे, आप डर रहे थे कि मुझसे ये काम नहीं होगा, आप कह रहे जी थे ना जी जी मुझे, जी क्या आप जी में क्लैरिटी आई है, क्या आपको जी पता है सर, अपने अगले 90 दिन बिल्कुल क्या करना है? जी सर, बिल्कुल समझ आ गई सर, देखिए, टेक्निक इंशाल्लाह। वही जी पुरानी, मैं हर बंदे को कहता हूं कि एक मोबाइल टेलीफोन की कीमत जो है, वैसे तो मोबाइल भी अब महंगा इससे हो गया, वो तो 5-6 लाख में, 7 लाख में चला गया है, लेकिन 3.5 लाख जी पे एप्पल का जो फोन है, आप 1.5 लाख से भी चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन 2-3 लाख से करेंगे तो जरा आपके पास स्पेस आ जाती है, आप थोड़ी सी ट्रेडिंग भी हल्की फुल्की ले लेते हैं। एक हमने एक प्रोग्राम तरतीब दिया है कि 90 दिन एक छोटे कैपिटल से आप अच्छी तरह इस मार्केट का पोटेंशियल चेक कर लेते हैं। जैसे कहते हैं कि गुड्डी गुड्डे की एक शादी करके देख लेते हैं कि यार इसकी क्या स्टेप्स हैं। उसके बाद हर इंसान के अपने फाइनेंसिस हैं, उसके अपने कैश फ्लोज हैं, उसका बिजनेस है या नौकरी है, वो बेहतर समझता है कि वो कितना पैसा स्पेयर कर सकता है। जितना वो स्पेयर कर सकता है, जो उसका फिर आगे सेट होता है उसके अंदर वो आए, मुझसे पूछते हैं लोग, तो मैं फिर अगले 90 दिन कहता हूँ कि 5 से 10 लाख के अंदर। उसके बाद 6 महीने के बाद मैं कहता हूँ कि भाई अब आप अपनी एपिटाइट खुद देखें कि आपको ये काम किस लेवल पे करना चाहिए। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आती है वो भी मैं बता दूं, अमजद भाई के सामने ही बता दूं ताकि इस वीडियो के अंदर वो बात भी हो जाए। लोग इंतहाई लालची, बेसब्र और जल्दबाज हैं, और वो सीखने पर 1 रुपया नहीं लगाना चाहते और वो चाहते हैं कि मुफ्ता लगाए। अच्छा, मार्केट पूरी भरी बैठी है ऐसे बंदों का, इंतजार कर रही है कि एक बार आओ तो सही हमारे पास, हम तुम्हें मुफ्त वो काम बताएंगे, वो गाना तुम्हें सुनाएंगे कि तुम्हारे पास जो कुछ है वो सब फारो हो जाए। देखिए, ब्रोकर को कमीशन मिलता है, वो आपको नहीं सही गाइड करेगा। वो क्यों आपको सही गाइड, वो पहली बात तो उसको आता ही नहीं है, पता ही नहीं है उसे, और अगर पता हो भी तो वो मार्केट मेकर या जो बड़ा बंदा है उसके इन्फ्लुएंस में होता है, वो गाना गाता है जो उनको सूट करता है। नया इन्वेस्टर आता है, मैंने इतनी बार कहा है लोगों को, बाजार फिल्म सैफ अली खान की, वैसे भी आप फजूल फिल्में इतनी देखते हैं तो अगर वो काम की देख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर सूट ऑफ हैप्पीनेस विल स्मिथ की फिल्म है, आज मैंने कहा आपको बता दूं, जरूर देखें। द बिग शॉर्ट एक फिल्म है हॉलीवुड की, जरूर देखें। बाजार फिल्म है सैफ अली खान की, जरूर देखें। एक फिल्म है गुरु इंडिया की, धीरू भाई अंबानी, जो अंबानी ब्रदर्स के अब्बा जान थे, जिन्होंने एक पेट्रोल पंप पे नौकरी करने वाले से अरबों का बिजनेस शुरू किया, उसकी लाइफ पे फिल्म बनी हुई है। वो ये बताता है कि किस तरह कंपनियां जो हैं वो उसने लिस्ट कराई और एक आम आदमी ने कैसे बिजनेस खड़ा किया, जरूर देखें। इन सारी फिल्मों से आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड की पावर का पता चलेगा कि एक आम आदमी कैसे बिजनेस में एंटर हो सकता है। इसी तरह एक फिल्म है कॉर्पोरेट इंडिया की, वो भी देखें, उसमें आपको पता चलेगा कि शेयर्स ऊपर नीचे कैसे होते हैं और इनको लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं और फिर उसके ऊपर किस तरह उससे फायदा है। बॉटम लाइन ये है कि मार्केट हर बंदे के लिए है, हर बंदा इसमें सरमायाकारी कर सकता है। हमने अपना जो ब्रोकरेज ऑफिस है, ब्रोकरेज मैंने, मैं लोगों को बार बार बता रहा हूँ, आई एम नॉट अ ब्रोकर, पहले मैंने ब्रोकरेज का आम रखा हुआ था, जब से मैं ट्रेनिंग्स में आया हूँ मैंने ब्रोकरेज को खैराबाद पेंडेमिक से पहले कह दिया कि ताकि कंफ्लिक्ट ना हो, ताकि लोग मिसलीड ना हो, मिसगाइड ना हो।
अब कई लोग जो हैं वो नेगेटिव बातें हमारे सोशल मीडिया पे लिखने की कोशिश करते हैं, वो जहां मेरी टीम की नजर में आते हैं हम उन्हें रिमूव भी कर देते हैं, ब्लॉक भी कर देते हैं, ऑल्दो वी डोंट केयर, वो जितना मर्जी जो है नेगेटिव लिखे हमें फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे कई लोग जो हैं वो लिखते हैं, एक साहब ने मुझे लिखा हुआ, मैंने जी आपकी वीडियोस देखकर 25 लाख रुपए लगा दिए हैं और मैं फंस गया हूँ। तो भाई मैंने तो तुम्हें नहीं 25 लाख रुपए, ना तुमने मेरे से कोई सेशन लिया, ना तुमने मेरी कोई वर्कशॉप अटेंड की, तुम्हें किसने कहा है? मैंने तो किसी एक वीडियो में बता दो 25 लाख किसी को मशवरा दिया और लगा दिया। तो भाई आपने क्यों लगाए हैं बगैर सोचे समझे? मैं तो हर बार कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट इज लाइक स्विमिंग, आप किसी से सीखें पहले। सारी दुनिया को मैंने तो तैराकी नहीं सिखाई, लोग तैरते हैं। सारी दुनिया में इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट की मैंने तो नहीं सिखाई, लोग सीखते हैं। किसी गुरु से सीखो, किसी समझदार आदमी से सीखो, किसी से सीख कर करोगे तो डूबोगे नहीं। सोचे समझे बगैर ट्यूबल वो जो है ट्यूब लेके और BRB में छलांग मार दोगे तो ट्यूब कहीं होगी, कपड़े कहीं होंगे, और चौथे दिन आपकी लाश जो है अल्लाह माफी दे वो टीम बाहर निकालेगी। तो आप किसी की गाइडेंस के, वो कहते हैं ना किड्स डोंट ट्राई दिस एट होम, बगैर किसी की गाइडेंस के ये करने वाला काम नहीं है। इस तरह तो साइकिल भी नहीं चलानी बंदा सीख सकता अगर किसी से ना ले। मैं इतनी बार मसाले दे चुका हूं और मुझे समझ नहीं आती ये जो लोग ये बातें करते हैं उनके दिमाग में क्या गोबर भरा हुआ है कि बात उनके दिमाग में उतरती ही नहीं है कि यार आज आपने गाड़ी चलानी सीखी है और कल GT रोड पे निकल गए हो तो मरोगे और मरोगे और क्या करोगे? वही गाड़ी तुम वीरान सड़कों में चलाओगे, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करोगे, किसी माहिर ड्राइवर ने साथ होकर यार तू ब्रेक नहीं ठीक लगाता, यार तू गियर नहीं ठीक बदलता, तो आप एक दिन आप उस पे क्या इंटरनेशनली हाईवेज पे ड्राइव करोगे? जो यूरोप अमेरिका में जो कनेक्टेड है दूसरे मुल्कों से सड़कें, उन पे भी आप चलाओगे? तो स्किल है, स्किल सीखनी पड़ती है भाई। जितने भी लोगों के, आप जिंदगी में नाकाम आदमी है, आप अगर जिंदगी में यूजलेस इंसान है, आप अगर जहनी बीमार है, उसमें मुझे बताओ मेरा क्या कसूर है? आप नीचे लिख देते हैं तो हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, मेरा घर बार बिक गया। यार तेरा घर बार मैंने तो नहीं बिकवाया, ये सामने इकबाल साहब बैठे हैं इनसे पूछो, मैंने कहा अपना घर बेचो, क्यों भाई मैं क्या था ना, क्या अपना मकान बेच दो, अपनी नौकरी छोड़ दो, अपना कारोबार बंद कर दो तो स्टॉक मार्केट। अगर एक आईफोन से ये इतने बुजदिल हैं कि एक आईफोन का भी रिस्क नहीं ले सकते तो फिर ठीक है ये काम ना करो, तो फिर केलों की रेडी, फिर कहोगे केले लिए केले खराब हो गए। मैंने जी कोई भी जिंदगी में आप काम करती हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ, मेरा भाई उसमें रिस्क होता है, कैलकुलेटेड रिस्क पेज मोर डिविडेंड। मैं किस बेस पे लोगों को सिखा रहा हूं? आमिर साहब अगर आप भी देखें वीडियो सुने, मैंने मैंने आपसे पैसे तो नहीं लिए हैं, आपने क्यों मेरे कहने पर पैसे लगा दिए? अब आप हर जगह कहते हैं जी मैं बर्बाद हो गया, भाई आप अपनी हमाकत से बर्बाद हुए। आपको किसने कहा आप अपने रिजल्ट देखे भाई? मैंने क्या कहा अमजद भाई, मैं क्या 3.5 लाख रुपए लाओ, पंजाबी च कहूंगा फिर उर्दू च कहूंगा फिर अंग्रेजी च भी कहूंगा ताकि अल्लाह करे शायद सब को समझ आ जाए। इन्वेस्ट ओनली ₹350,000, 3.5 लाख रुपए सिर्फ लगाए, ज्यादा से ज्यादा, 1.5 भी लगाना चाहें तो लगा लें, ज्यादा से ज्यादा। उनको स्ट्रेटेजी दी, 90 दिन का प्रोग्राम दिया, उनको गुजारिश की कि 90 दिन तक आप उसके रिजल्ट देखें, फिर आप अपनी स्टेटमेंट को प्रिंट आउट निकालें, एनालाइज करें, शुड आई इंक्रीज शुड आई डिक्रीज माई इन्वेस्टमेंट, क्या मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊं घटाऊं या यहीं रखूं, फिर अगले पड़ाव की तरफ जाएं, जो कि मेरे नॉर्मली 7 से 10 लाख का अगला पड़ाव मैं लोगों को कहता हूं ज्यादा से ज्यादा, और फिर मैं कहता हूं कि 90 दिन फिर उसको देखो ताकि स्टेप बाय स्टेप बढ़ो। मैंने तो आज तक किसी बंदे को 25 लाख लगाने को नहीं कहा, फिर आपने मेरे कहने पे फिर मेरे नाम क्यों मट रहे हो? कल को यार आपका बच्चा छत से गुड्डी टूटता गिर के खुदा ना खास्ता उसको चोटें लग जाएंगी तो कहोगे वहां साहब आपकी वजह से मेरा बच्चा गिरा है? नहीं, ये जिनी मरीज हैं आप लोग, खुदा का वास्ता है ना, ये काम करें आप सोच जो मैं कह रहा हूं, आप मुझसे पूछ कर फिर करें, या मेरा नाम पे आप अपनी हरकतों पे ना लगाएं। तो ऑल दो आई एम नॉट आंसरेबल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप और शोर मचाएं जाकर सोशल मीडिया पे, जितना दिल करता है ढोल बजाएं, एक ढोल वाला रख लें उसको साथ, वो सड़कों में निकले, लेकिन आपको क्या कहते सवाल गंदम जवाब चना। एक बंदा आप, मैं तो उल्ट कहता हूँ, मेरे पास भजन कई बार लोग आए हैं आगे कहा जी मैंने ये 5 करोड़ की जमीन बेची, तो मैं कहता हूँ यार ये 5 करोड़ में से जो है ना
3 करोड़ या 4 करोड़ 97 लाख, इनको एक साइड में रख दो, जाके कहीं फिक्स डिपॉजिट में रख दो, किसी जगह रख दो, और 2-3 लाख से पहले तुम स्किल सीखो और खुद फैसला करो कि तुमने 5 करोड़ इसे लाना है, 5 लाख लाना है, 20 लाख लाना है, कितना लाना, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारी मर्जी है, आराम आराम से। तो हम यहाँ नेकी बैठ बांटने बैठे हैं, हम यहाँ सीधा रास्ता बताने बैठे हैं, आप में से किसी ने हमें तो नहीं पैसे दे देने, मेरा कोई रिश्तेदार तो स्टॉक मार्केट में नहीं बैठा हुआ जो सारे पैसे उसको मिल जाते हैं। अगर आप नहीं मुतमईन, कहाँ लगाए। इसी तरह एक और बेवकूफ है, उसका मैंने कहा कि मैं वीडियो में जवाब दूंगा, उसे नीचे कमेंट लिखा हुआ था, मुझे पता नहीं कौन से बंदे ने कहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी ना करो, तो भाई पाकिस्तान में रहो भी ना, जाओ अमेरिका चले जाओ, अगर तुम्हें अमेरिका रखता है तो भाई जाओ, रहना तुमने यहाँ है, तो 200 डॉलर इकट्ठे कर लोगे, 10 रुपया बढ़ गया तो 2,000 रुपया बढ़ जाएगा, उसे जिंदगी तो नहीं गुजर जाएगी, जहां रहना है वहीं रोजगार आपने कमानी है ना, यहाँ तो 25 करोड़ के 25 करोड़ बाहर चले जाएं, अगर बाहर को गवर्नमेंट लेती है आप और आप जाना चाहते हैं जाएं, उसमें मेरा तो मेरे से इजाजत तो नहीं लेनी आप, मैं तो उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनका जीना मरना इस मुल्क में है मेरी तरह, मैं बाय चॉइस नहीं जाता, अगर मैं इतना तंग हूंगा तो मैं चला जाऊंगा, मैं कोई इजाजत थोड़ी लोगों से लूंगा। तो सोशल मीडिया पे मैं इन अहमकाना बातों का क्या जवाब, तो जनरली टीम डिलीट कर देती है, कोई ऐसा मैसेज हो तो मुझे भेज देते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार अच्छा मैं किसी वीडियो में ये कवर कर दूंगा, इतना मेरा टाइम नहीं है, एक एक गधे को मैं बैठा के घोड़ा बनाने की कोशिश करूँ, वैसे तो मैं हमको से माजरत, मैं सिर्फ अक्लमंद लोगों के लिए ये बातें करता हूँ कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ कर। सॉरी अमजद भाई आपका वीडियो लंबी हो गई आपकी वो टेस्टिमोनियल की, लेकिन अब मैं क्या बताऊं, मुझे गुस्सा बड़ा आता है इन बातों पे, एक आदमी आपको क्या कुछ रहा है, आप उसका अपना मतलब निकाल रहे हैं, और आप सबको मैं बार बार कह रहा हूँ आई एम नॉट अ ब्रोकर, आई एम नॉट अ ब्रोकर, मैंने लिख के वीडियोज बनाई हुई है, सर्च कर लें आई एम नॉट अ ब्रोकर, तो आपके साथ आपका ब्रोकर अगर आपको कोई बाइंग सेलिंग का मशवरा देता है तो वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है, मेरा बेटा एक कंपनी का मार्केटिंग कंसल्टेंट जरूर है, कंसल्टेंट जो होता है उसको फी मिलती है मशवरे देने की, वो नहीं किसी को बाइंग सेलिंग में इन्वॉल्व। अब वो यही कहता है कि आपने ट्रेनिंग लेनी है, ये देखें पीछे जेएच इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप हमारा इंस्टीट्यूट है, इसमें हम ट्रेनिंग्स कराते हैं, हम किसी को बाय सेल कॉल नहीं देते, या हम कंसल्टेंसी देते हैं वो एक अलग चीज है, उसकी अलग फी है, या लाइफ कोचिंग की मैं ट्रेनिंग्स करवाता हूँ या लाइफ कोचिंग देता हूँ, या एंटरप्रेन्योरशिप पे जो लोग कारोबार करना चाहते हैं, अभी मैंने अमजद इकबाल भाई को एक मशवरा दिया, इनका ताल्लुक पीछे चेन्योट से है, अगर ये फर्ज कर इन्होंने सेशन लिया होता कि मुझे बताएं मैं क्या बिजनेसेस कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी अमाउंट है, ये हालात है मेरे, तो उसमें मैं इनको ऑप्टिमाइज करने का बता, हम ब्रोकर नहीं है, हम किसी को नहीं बाइंग सेलिंग करवा रहे, हम सिर्फ लोगों को चीज़ें तरीके यहाँ बता देते हैं, अमजद साहब को पता है उन्होंने अगले 90 दिन क्या बाय करना है और क्या सेल करना है, और इंशाल्लाह ताला ही विल बी फाइन, तो जब 25 लाख लगाओगे ही नहीं तो 25 डूब कैसे जाएंगे, फिर तो ये नहीं बात समझ आई क्यों जनाब, तो आपने मेरी बड़ी वीडियो देखी, किसी में देखा है मैं कहूंगा घर बार बेच के पैसे लगा दो, नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं है सर। मेरी तो दोस्त हैं ब्रोकर कम्युनिटी में, वो मुझसे बड़े तंग हैं, नाराज हैं, वो कहते हैं तुमने बड़ा गर्क कर दिया हमारा कि तुम लोगों को कहते हो कि कम सरमाया लगाए, आप वो ट्रेडिंग हमारी स्लो करा दिया तुमने, हमारी कमीशनों को इफेक्ट आता है, मैं कह यार मैं तो सही बात कहूंगा, मैं मुझे क्या मुफाद है कि मैं लोगों को मिसलीड करूं, तो मैं बड़ी नेकी से ये काम कर रहा हूँ, आगे जो बुरा समझता है वो समझदार है, मेरी सेहत पे मैं तो अल्लाह को जवाबदेह हूँ, है ना, मैंने पहले भी सुनाया था बुल्ले आशिक होया रब दा ते मलामत हो गए लाख, बोले आशिक होया रब दा ते मलामत हो गए लाख, तेनों काफर काफर आख दे दुआ हुआ, तो जितने लोग ये बात कहते हैं वेलकम जनाब, ठीक है भाई मैं नहीं कहा होगा, तो किसी समझदार से पूछ ले मैं यही कह सकता हूँ, और मैं क्या कहूँ, मैं तो वही दस सकना जो मैं आंदा है, तो आप मुतमईन है अमजद साहब, जी सर, मुतमैन हूँ सर। तानू तो डर खौफ नहीं है, नहीं नहीं बिल्कुल कोई ताड़े डर पच्ची खौफ तीस लाख से नहीं डूबते नजर आ रहे कितने, नहीं, नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। इंशाल्लाह सर तरेंगे, लिमिट में रहकर काम करेंगे, सीख कर करेंगे तो तरेंगे, इतने लोगों को फायदा हो रहा है आपको भी फायदा हो, हाँ बेसब्री करेंगे तो फिर बोंगियां मारेंगे तो फिर तो नुकसान, तो वो तो ये माफ नहीं करता, तो खुश रहें, अम्मा बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह आप लोगों से एक और वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।